बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों एक बहुत ही अहम वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पूरी देखिए। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आपको पूरी देखने में ही आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसको समझाना बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी, तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। वाइंडिंग के बारे में बहुत सारा डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि तजर्बाकार आदमी ही जानता है और तजर्बे से ही हासिल होती हैं। तो मैं अपने तजर्बे का निचोड़ आपके सामने पेश करूंगा। वाइंडिंग का काम तजर्बे का ही है, नए बंदे के लिए सिर्फ यही है कि वो तजर्बाकार उस्ताद से ही मदद हासिल करे, और ख़ुद अगर तजर्बा करेगा तो अच्छी खासी इसमें मेहनत होती है, टाइम लगता है। तो ये देखिए, ये मोटरसाइकिल का एक अल्टरनेटर का कोयल कड़ा जिसको कहते हैं वो है, अल्टरनेटर का स्टेटर है, ठीक हो गया। ये बिजली पैदा करता है और ये इसकी वायर है, ये जला हुआ है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा, ये ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे ये देखिए, ये पल्सर कॉयल है, इस ये ठीक है, ये हम इसमें से उतार लेंगे और ये वायरिंग इसमें से अलग कर लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे इसमें काम करते हैं। ये वाइंडिंग का डेटा कैसे निकालते हैं, ये वाइंडर हजरात जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, मेन बात ये होती है। सबसे पहले तो हम ये स्क्रू खोलेंगे ताकि हम इस वायर को अलग कर सकें। ये देख लीजिए, ये हम इसको अब खोल रहे हैं इस तरह से। सबसे पहले तो इसमें हमें ये नज़र आ जाएगा कि वाइंडिंग के कनेक्शन किस तरीके के हैं। ये देख लीजिए कनेक्शन, कनेक्शन ये मुझे लग रहा है कि ये एक थ्री फेस का स्टेटर है, क्योंकि 18 इसके टोटल ये जो पोल हैं, ये पोल कहलाते हैं, ये 18 इसके पोल हैं, और इसमें दो दो वाइंडिंग्स, दो दो वायर्स, ये देख सकते हैं कि दो दो वायर्स आपस में यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं। दो वायर यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं और दो यहाँ पे हैं, तो ये डेल्टा कनेक्शन बनाता है। सिंपली उसूल ये है कि डेल्टा कनेक्शन ये बन रहा है, यानी वाइंडिंग के जो लोग, जो हजरात का वाइंडिंग का इलम है जिनको, वो जानते हैं कि इस तरह के कनेक्शन जो होते हैं वो डेल्टा ही कहलाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इनको डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको वाइंड करेंगे। ये अगर आप देखें तो इसकी जो वायर्स हैं ये एक ही कलर के हैं, येलो, तीनों वायर्स येलो निकली हुई हैं यहाँ पे। तो ये यही वायर हैं जो यहाँ पे इंटरकनेक्ट हुए हैं, यही वायर येलो कलर के बाहर इन्होंने निकाले हैं। तो कोई वायर कहाँ जाए, किस तरफ को लगे, इसका कोई मसला नहीं होता। यहाँ देखिए, इसमें भी ये तीन येलो वायर आपको नज़र आ रही हैं। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले काम यह है कि हमने इसको काटना है, तो थोड़ा सा इसको उठा के यहाँ से काटते हैं ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा भी हमारा बचा रहे, बिल्कुल डैमेज ना हो। ये देख लीजिए, ये दो मैंने काट दिए, इनको आपस में मिला लेंगे ताकि हमें बाद में मुश्किलात का सामना ना बने और हमें पता चले कि ये दो आपस में मिले हुए थे, कोई और यहाँ पे हम आपस में इनका तरतीब गलत ना हो। तरतीब गलत आपने नहीं करनी, क्योंकि आपने इससे डेटा लेना है, फ़र्स्ट टाइम है हमारा। तो फर्स्ट टाइम में यही होता है कि आपने डेटा बड़े आराम से उठाना होता है, अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो ये सारा आपका काम ख़राब हो जाएगा। ये दो मैंने काट दिए, अब इन दोनों की बारी है, तो इनको भी मैं यहीं से ही काट देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको काट दिया। अच्छा, अब ये देख लीजिए, अब ये सीधा हो गया कि वायर हार्नेस इसमें से निकल गई। अब हम क्या करते हैं कि देखिए, तो कुछ वायर्स इसमें शुरू की होंगी, कुछ लास्ट की होंगी, किस तरीके से वाइंड किया हुआ है, ये हमारी अहम बात है, ये हमने इसमें से डेटा लेना है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको खोलते हैं। मुझे लग रहा है कि ये वायर शायद पहली होगी या इसके साथ वाली पहली होगी, तो इनको मैंने खोल लिया है। अभी देखिए कि ये कहाँ पे जा रही है, तो तब हमें उससे आइडिया लगेगा। या हो सकता है कि ये वाली पहली वायर हो, तो इनको अलग कर देते हैं। अब ये जो फेस है ये सिर्फ शुरू वाला, ये एक मुश्किल काम है, इसमें से अंदाज़ा लेना कि कौन सी वायर कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ जा रही है, ये एक मुश्किल काम होता है शुरू में इसको समझना, लेकिन बहरहाल बंदे की समझ में आ ही जाता है। और इसके बाद वाला ये वाला है, तो हम देखते हैं कि कौन सा पहला निकल रहा है। ये पहला निकल रहा है, ये देखिए, ये जो यहाँ पर आया हुआ था इस तरह से करके, ये वाला पहला निकल रहा था। तो ये जो पहला निकल रहा है, ये देखिए, ये इस तरह से आ गया, अब ये हमारे हाथ में आ गया। अब सबसे पहले जो करने वाला काम है वो ये है कि यहाँ पे ये इस तरह से करके था, तो हमने इसको सेम इसी प्रोसीजर पे यहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे इस तरह से मिलाना होगा ताकि लास्ट में हमारा कोई मसला ना बने। और हम इसके ऊपर एक निशानी लगा लेते हैं कि हमारे कनेक्शंस इस तरफ को हैं,
ये देख लीजिए, ये कोरेक्शन हमारे इस तरफ को है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो वायर है इसको यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ से इसको खोलना शुरू करेंगे, उधेड़ना शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये वायर के कितने टर्न्स हैं। तो टर्न मैं इसके गिन लेता हूँ, इसको खोलता हूँ और इसके टर्न गिन लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कितने टर्न हैं और यहाँ पर हम इसकी निशानी मुकर्र कर लेंगे कि ये इसके ऊपर वाइंडता। इस तरह से करके हमने इस पूरे को खोलना है, अंदाज़ा लेना है कि कौन से कनेक्शन कहाँ पे हैं और फिर अपने लिए एक निशानदेही कागज़ पे मुकर्रर करनी है, एक डायग्राम बनाना है। इसके बाद फिर हम आगे फर्दर चलेंगे और वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमने करना है। दोस्तों ये दो कॉइल्स मैंने इसकी खोल ली हैं, पहली कॉइल ये खोली है, दूसरी कॉइल ये खोली है। दूसरी कॉइल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई और अब कोई 38 चक्कर टर्न कर लेने के बाद ये यहाँ पर आई, ये देख लीजिए इसके ऊपर घूमी है। इसके बाद फिर ये यहाँ से जा रही है इस तरफ को, लेकिन ऊपर ही ऊपर ये वायर इसके ऊपर ओवरलैप हो रही है। तो ये जिस तरतीब से आएंगी उसी तरतीब से हम खोलते जाएंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे एक निशानदेही मुकर्रर कर रहे हैं। ये देख रही है यहाँ पे एक निशानदेही मुकर्रर की कर रहे हैं कि ताकि जो जो टर्न हमने खोल रहे हैं तो कहाँ से कौन सी तार आ रही है, तो वो यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं ताकि हमारी डायग्राम बन जाए हमारे लिए और हमारे लिए आगे आसानी हो और किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना हो दोबारा वाइंड करते हुए। तो मैं आपको दिखाता हूँ पूरी बनाने के बाद, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम ये कर रहे हैं। देखिए दोस्तों सिर्फ एक कॉइल रह गई है, एक कॉइल का मतलब 1 2 3 4 5 6 के ऊपर, 6 से 18 होता है, 6 के ऊपर ये लपेटी गई है, 6 पोल्स के ऊपर, यानी 1 2 3 4 5 6 मैं दोबारा बता रहा हूँ, सॉरी। अच्छा अब ये इंटरकनेक्टेड है आपस में, अब तो बिल्कुल इजी हो गया है, आपके सामने है। ये इसका स्टार्टिंग है, ये इसका एंडिंग था, यहाँ पे ये तार एंडिंग निकली हुई है इसी की। तो इसी तरीके पे ये बाकी के कॉयल हैं। तो ये हमने थोड़ी सी निशानी अपने लिए मुकर्रर की थी शुरू में और उसको देखते हुए उसकी रोशनी में हमने ये डायग्राम अपने लिए बना दिया है। ये देख लीजिएगा, कुछ आपको शायद क्लियर हो इस डायग्राम से, आपको कुछ आइडिया मिले। मैं थोड़ा सा दूर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देख लीजिएगा इसमें क्या सिलसिला है कि ये देखें, ये स्टार्टिंग है इसकी, स्टार्टिंग कॉइल, सॉरी स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट कॉइल है, ठीक है जी। ये सब स्टार्टिंग और रनिंग इसमें कोई नहीं होती, ये स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट कॉइल है, तीन फेज़ है। अब बहुत सारे आके बतना अंदेश मुझे ये कहना शुरू कर देंगे कि इतनी छोटी सी मशीन थ्री फेज़ कैसे हो सकती है, तो भाइयों ये थ्री फेज़ ही है। अब मैं आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता कि ये डीसी है या ये सिंगल फेज़ है, ऐसा मैं नहीं कर सकता, जो है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये तीन फेज़ डेल्टा कनेक्शन जो है कि वाइंडर्स हैं उनको तो अच्छी तरह से पता है, लेकिन नए हजरात फिर कभी कभी इधर उधर की अपनी भोंगियाँ मारने लगते हैं, तो सॉरी टू से उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो ये देखें ये रेड कॉइल 1 2 3 4 5 और 6 इसमें लिपटी हुई है, ये यही कॉइल है जो कि अभी हम उतारेंगे। और उसके बाद फिर सेकेंड कॉइल जो है वो ये ब्लू वाली मेड शो की हुई है, ये भी इसी के अंदर इस तरीके से की हुई है। आखिर में इंटर कनेक्शन है, ये डेल्टा कनेक्शन है, यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन आप देख सकते हैं, एक का स्टार्ट दूसरे का एंड, दूसरे का स्टार्ट तीसरे का एंड, चौथे का फर्स्ट का स्टार्ट और दूसरे आखिरी वाले का एंड, इस तरीके से ये मिलाई जाती है। तो ये डेल्टा कनेक्शन बड़े क्लियर है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। तो अब हम इसको आगे इसको खोलते हैं और फर्दर इसको वाइंड करते हैं, तो फिर वो पूरा प्रोसीजर मैं आपके सामने आपको करता हूँ। दोस्तों ये इस आर्मेचर में से या इस स्टेटर में से तमाम वाइंडिंग निकाल ली है, आप देख सकते हैं कोई वाइंडिंग वायर इसमें बची नहीं है, सब कॉइल्स इसमें से निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको रिवाइंड करेंगे, रिवाइंड करने के लिए ये हमें चाहिए है 21 गेज की वायर, ये देख लीजिए ये 21 गेज की वायर का रोल है मेरे पास, ये 21 SWG लिखा हुआ है, 21 SWG, इससे हम इसको वाइंड करेंगे, क्योंकि पुराना जो वायर था वो भी यही गेज था, तो हम इसमें यही गेज लगा रहे हैं, अभी इसी गेज से हम इसको वाइंड करेंगे। वाइंडिंग का तरीका देखिए, बहुत ही अहम बात कर रहा हूँ, वीडियो पूरी देखिए, छोड़िएगा नहीं वरना समझ में नहीं आएगी। वाइंडिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 6 कॉयल आपने पहले वाइंड करने हैं, 6 और 1 4 की पिच रखनी है, 1 2 3 4, तो ये 4 आता है, एक कॉयल इधर है तो दूसरा कॉयल इधर आएगा, दूसरा कॉयल इधर है तो उसके बाद तीसरा कॉयल यहाँ पर आएगा, तीसरा इधर है तो चौथा कॉयल यहाँ पर आएगा, पांचवा इधर आएगा और छठा इधर आएगा, और इस तरह से लूप निकल जाएगा। ये हो गया, अब करना ये है कि अब हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका क्या है कि जैसे था वैसे ही आप इसको करें, जिस तरीके से खोला था उस तरीके से करें। हमने एक निशानी मुकर्रर की है यहाँ पे,
तो ये यहाँ से हम इसको स्टार्ट देंगे, ये वाली जगह हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ये पॉइंट हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा, ये वाला ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इधर से हम स्टार्ट देंगे इस लंप के ऊपर, इस लंप के ऊपर हम इसको वाइंड करेंगे और फिर इस तरह से जाते जाएंगे, इस तरफ हम जाते जाएंगे। ये देख लीजिए, ये मैंने एरो आपके लिए लगा दिया ताकि आपको समझ आए कि इस तरफ हमने जाना है, इधर से स्टार्ट करके इधर जाना है और वायर इधर से स्टार्ट होगा, ये इस जगह से, इस जगह से नहीं, इस जगह से स्टार्ट होगा। इस तरह करके हम लपेटते जाएंगे। अब मैं आपके सामने कॉइल स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तकरीबन इतनी सी वायर छोड़ दीजिए और उसके बाद फिर ये इस तरह से वाइंड करनी शुरू करें और चक्कर आपने गिनने हैं। टोटल आपने 39 चक्कर इसमें डालने हैं, 39 चक्कर डालने हैं, क्योंकि इसमें 39 चक्कर थे, तो ये आपने काउंट करके इसमें इस तरह से आपने डालने हैं चक्कर, ठीक हो गया। और इसको टाइट रखना है इस तरह से, उंगलियों की मदद से, उंगलियों की हेल्प से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये स्प्लजर टूल का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, इस तरह से करके स्प्लजर टूल इस्तेमाल कीजिए और इसको इस तरह से दबाइए, वाइंडिंग को अंदर करके, अंदर की तरफ से इसको दबा सकते हैं इस तरह से, इस तरह से करते जाएंगे और ऊपर चलते जाएंगे और फिर हम ये पूरा कॉइल लपेट देंगे और फिर उसके बाद ओवरलैप करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह करना है। दोस्तों ये हमारे 39 चक्कर मुकम्मल हुए, ये देखिए सिंपल कॉइल है, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे एंड हुई। अभी हम क्या करेंगे कि इसको लेके जाएंगे, एक चार की पिच है हमारे पास, यहाँ पे लेके आएंगे इस तरह से, इससे बचाना है इस स्क्रू वाली जगह से, आपने टाइट काम करना है और चक्कर ऐसे देने हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलैप ना बने। ये देख लीजिए इस तरह से, अगर बहुत ज़्यादा मोटा कर देंगे तो अगले के लिए जगह नहीं बचेगी, अगली कॉइल के लिए ये ठीक नहीं होगा। तो आपने खूबसूरत वाइंडिंग करनी है। अगली वाइंडिंग किस तरह से होगी, देखिए दो छोड़ के और एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, तो यहाँ पे आएगी हमारी वाइंडिंग, ठीक है जी। इसके यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएंगे इस साइड पे, तो इस साइड से शुरू करेंगे और इसी तरह से फिर 39 चक्कर देंगे और इस तरह से हमारी ये कॉइल मुकम्मल होगी। जब ये हो जाएगी, जैसे मुकम्मल हो गई, तो समझो फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे, ये देखिए एक दो तीन चार, समझिए एक दो तीन और चार, ये इस पे समझो, ये हमारी कॉइल मुकम्मल हो गई। तो हम क्या करेंगे, एक दो तीन और चार इधर आएंगे, इधर से कॉइल बनानी शुरू कर देंगे, ये देखें इस तरह से लपेटे देते जाएंगे। तो इस तरह लपेटते लपेटते हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इस जगह तक पहुँचेंगे, इस वाली तक, इस तक पहुँचेंगे, यहाँ पे हमारी एंड हो जाएगी। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या करना है, ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, इस वाली तक, इस लम्ब तक हम पहुँचेंगे, ठीक है जी। तो ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि हमने इसके साथ क्या प्रोसीजर करना है, कनेक्शन कैसे बनाने हैं, एक कॉइल, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल कैसे लपेटनी है, सब तफसील इस वीडियो में आएगी। दोस्तों ये पहला फेज़ वाइंड होना कंप्लीट हो गया, देखिए यहाँ से शुरू हुआ था, इससे शुरू हुआ था, दो दो छोड़ के बीच बीच में एक और चार, एक दो तीन और चार, इस तरह करके पूरा हमने छः कॉइल, एक दो तीन चार पाँच और छः, टोटल सिक्स कॉइल या छः कॉइल हमने वाइंड कर दिए। अब क्या करेंगे, ये सारा इसका बचता है ये वायर, तो ये हम यहाँ पे काट देते हैं, थोड़ा सा एक्सेस काट लीजिए, कोई नहीं मसला, ताकि बाद में आपको कनेक्शन बनाने में आसानी हो, बस इतना, इससे भी ज़्यादा नहीं, ताकि बिल्कुल इधर उधर भी ना जाए। अब देखिए क्या होता है, जो अंदर वाला है वहाँ से स्टार्ट होता है, जो बाहर वाला वायर है इस पर ख़त्म होता है, तो ये पूरी एक वायर इस तरह घूम के इधर आई है, इधर ख़त्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इनके अंदर, मशीन के अंदर ले जाइए इनको, ताकि हमारे रास्ते में ना आए। अब हम ये करेंगे, एक नई कॉइल स्टार्ट करेंगे, वो कॉइल कहाँ से स्टार्ट होगी, देखिए वो इधर से स्टार्ट होगी, इधर से, इससे, इसके बाद ये फर्स्ट था, सेकंड और थर्ड, सेकंड कॉइल इधर से स्टार्ट होगी, यहाँ से, ये देखिए कहाँ से स्टार्ट होगी, इधर से हम ये वायर नीचे से डालेंगे इधर, और इधर इसका थोड़ा सा सिरा बाहर निकाल लेंगे, इस तरह कर लेंगे और इधर से इस तरह से वाइंड करना शुरू कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको वाइंड करना शुरू करेंगे, ऐसे करते जाएंगे, इसको भी वाइंड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जो है इधर हो जाएगा, नेक्स्ट इधर आएगा, नेक्स्ट कॉइल इधर आएगी, उसके बाद इधर, फिर इसमें, और फिर लास्ट फाइनल कॉइल इसमें आ जाएगी, ये सेकंड कॉइल हो जाएगी। थर्ड कॉइल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाले से थर्ड कॉइल स्टार्ट होगी, इधर इधर, इसमें इसमें इसमें,
और इसमें ये फाइनल हो जाएगा, यहाँ पे इसका लीड निकल जाएगी। फिर जब ये हो जाएगी, तमाम थ्री कॉयल्स हम वाइंड कर लेंगे तीनों फेज़ों के लिए, छः छः कॉयल हर फेज़ के लिए, छः कॉयल वाइंड होंगे तीनों फेज़ों के लिए, छः छः कॉयल वाइंड कर लेंगे, टोटल कॉयल हो जाएंगे 18। जब वो हो जाएंगे तो हमारे पास सरे बचेंगे 6, एक तीन साइड इधर से बचेंगे, तीन साइड इससे बचेंगे। तो वो इंटरकनेक्शन आपको मैं दिखाता हूँ इस वीडियो में इसके बाद। तो मैं इसको वाइंड कर लेता हूँ पूरे को, उसके बाद क्योंकि मैंने प्रोसीजर आपको ऑलमोस्ट दिखा दिया है, अब कोई भी बंदा जो कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल को समझता हो वो इससे बड़ी ही आसानी के साथ अपने स्टेटर को वाइंड कर सकता है। बहुत क्लियर कर दिया है मैंने आपको। तो इसके बाद जब ये तीनों वाइंड हो जाएंगे तीनों फेज़, तो उसके बाद मैं आपको इंटरकनेक्शन इसमें दिखाऊँगा। दोस्तों ये इसकी वाइंडिंग अब मुकम्मल हो चुकी है। देखें सारे कॉयल 18 कॉयल हमने डाल लिए हैं थ्री फेज़ के लिए। अब थ्री फेज़ किस तरह है मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे थ्री फेज़ है। थ्री फेज़ में तीन कनेक्शन होते हैं या वाइंडिंग के छः सिरे निकलते हैं। देखिए यहाँ पर भी छः सिरे निकले हुए हैं, ये देखिए ये इस वाइंडिंग के छः सिरे निकले हुए हैं। ये स्टार्टिंग है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये वो कॉयल का सिरा है और ये इसी का एंडिंग है। ये देख लीजिए ये दोनों एक हैं। इसके बाद ये जो है ये सेकंड कॉइल का स्टार्टिंग है, सेकंड कॉइल का एंडिंग है, थर्ड कॉइल का स्टार्टिंग है, थर्ड कॉइल का एंडिंग है। अब हमने करने क्या है, करना हमने ये है कि स्टार्टिंग को एंडिंग से मिलाना है, ये स्टार्टिंग इस एंडिंग से हमने मिलाना है। मिलाना किस तरीके से है कि ये जो वायर है जो कि इसकी स्टार्टिंग है, इसकी एंडिंग है, इस वाले की, इस फर्स्ट वाले की जो एंडिंग है ये इस पे नहीं जानी चाहिए, बल्कि ये इस पे आनी चाहिए या इस पे आनी चाहिए, किसी एक पे आप मिला सकते हैं। लेकिन मुखालिफ मिलाएंगे, उसी के ऊपर आप नहीं मिलाएंगे, उसी के ऊपर आप मिलाएंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा। तो ये इधर आ जाएगी, ये वाली इसके साथ मिल जाएगी, ये मैं डेल्टा बना रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये सेकेंड वाला जो है वो ये है और सेटिंग सेकेंड का एंडिंग ये है, तो ये हम नहीं मिलाएंगे बल्कि ये इसके साथ मिला लेंगे। ये देखें ये यहाँ पर हम मिला सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे मिला देंगे, फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के साथ मिला देंगे। ये देखें ये जो है ना, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास लास्ट वाला है, तो इसको हम मिला देंगे, ठीक हो गया। मिडल वाला ये सेकंड है और ये लास्ट वाला है, इसको हम मिला देंगे। इसके बाद ये मिडल कॉइल, इसको फर्स्ट वाले के साथ मिला देंगे। इस तरह से हम मिलाएंगे तो ये बिल्कुल सही कनेक्शन हमारा बनेगा। ये देख लीजिए बिल्कुल सही कनेक्शन हमारा बन गया। और अभी हम क्या करेंगे कि इनको यहाँ से इस ब्लेड की मदद से इसकी इंसुलेशन जो है वो स्क्रैप करेंगे, यहाँ से इस तरह से करके ब्लेड की मदद से हम इसकी इंसुलेशन साफ़ कर देंगे। ये केबल के ऊपर, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन होती है, आपको पता है, वाइंडिंग वाले हजरात जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूँ कि इस पर इंसुलेशन होती है। तो इंसुलेशन हटा देंगे और फिर यहाँ पर हम सोल्डर करेंगे, किसको, इसकी केबल को। केबल को देखिए, केबल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तीन इसके तार हैं, ये देखें ये तीन वायर हैं इसकी, इसके अंदर तीन वायर्स हैं। ये देखें ये वायर का सिरा है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला, यहाँ पे हम इसको, इनको सोल्डर करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि आप कौन सा कहाँ पे सोल्डर कर रहे हैं, लेकिन एक कन्वेंशन है कि जब हम इसको लगाएँ तो ये स्क्रू इस जगह पर आएगा। देखें ये स्क्रू इस होल्डर को पकड़ेगा, अभी केबल को, और ये तारें यहाँ से आएंगी इस तरफ से, तो ये तार इधर आएगी, ये फर्स्ट वाले को ग्रिप कर देगी, सेकंड वाली को इधर से ग्रिप करेगी, सेकंड वायर जिसके अंदर ये सेकंड वायर है, ये देखें ये वाली, और ये छोटी वायर जो है ये थर्ड वाले को यहाँ पे ग्रिप कर देगी इधर से ऐसे। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, ये सेकेंड हो गई सॉरी, और ये थर्ड वाली हो गई हमारी, ये इधर से, इधर से इसको ग्रिप करा देंगे। तो ये इस तरह से ग्रिप करा देंगे और फिर इनको तरतीब में कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सुपर ग्लू के साथ इसको चिपका देंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, और इस तरह से हमारी ये मशीन तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको ये करने के बाद दिखाता हूँ, मुकम्मल करने के बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें इसकी मुकम्मल टेस्टिंग आपको तफसील से मैं इस मल्टीमीटर की मदद से, ये मेरे पास मल्टीमीटर है, इसकी मदद से कैसे इसको टेस्ट करते हैं, ये बाहर के इसके सरे जो हैं इनको कैसे टेस्ट करते हैं, रेजिस्टेंस टेस्ट, वो मैं आपको बताऊंगा कि एक सही कॉइल जो कि हमने वाइंड की है इसकी क्या पहचान होती है, कि आपने वाइंडिंग कनेक्शन सही किए हैं, सब सही किया है, ये मैं आपको बताऊंगा पूरी तफसील के साथ। वो वीडियो आएगी, ज़रूर देखिए और पूरी देखिए ताकि आपको समझ आ जाए। तो वो बाद की बात है, वो बाद में आ जाएगी। दोस्तों कनेक्शन करने के बाद आप देख सकते हैं नए स्लीव्स लगा दिए, ये कनेक्शन केबल यहाँ से वाइंडिंग से कनेक्ट हो गए इस केबल पे, जो हमारी केबल आउट जा रही है, इसको अब हम यहाँ, चूँकि ये स्क्रू मैंने लगा दिया था ताकि स्क्रू इधर उधर ना जाए,
अक्सर मैकेनिक जो हैं वो इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि गलत तरीका है। आप लोगों ने बहुत तरीके से काम करना है और फेंकना नहीं है किसी स्क्रू को, दोबारा से हासिल करना। उस स्क्रू का बहुत ही दुश्वार होता है, आपने वही इस्तेमाल करना है जो इसमें था। तो इस तरीके से मैं इसको लगा रहा हूँ, देखिए फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर की मदद से। आप सीधी सी बात है आपको बता रहा हूँ, ये टाइट कर दिया। अभी ये जो इसका ग्रिप है इसको भी वैसे ही मजबूत कर देते हैं। ये वाला क्योंकि मैंने खोला था, मकसद खोलने का ये था कि कनेक्शन करने के लिए इसको खोलना पड़ा। इस तरीके से वापस मैं केबलें जकड़ देते हैं। ये देखिए मैंने जकड़ दिया। अब देखिए तो ये बड़े अच्छे से बैठ गए हैं, और अगर आप बिठाना चाहते हैं मज़ीद तो इस तरह का स्प्लजर लीजिए और स्प्लजर की मदद से थोड़ा थोड़ा वाइंडिंग्स को दबा दीजिए, या थोड़ा सा इनको हैमर कीजिए इस तरह से, ताकि ये बाद में बाहर ना निकलें। ये स्प्लजर आपका लोहे का स्क्रू ड्राइवर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्लास्टिक का या लकड़ी का स्प्लजर होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे वुड का यूज़ कर रहा हूँ। इस तरीके का कीजिए, ये देखिए वाइंडिंग बैठ गई। अब ये चीज़ बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी, A1 हो गई है, AVT में या बाइक में जाने के लिए तैयार है। तो एक एक दोस्त ने हमें भेजी थी रिपेयर के लिए, तो हम अब इसको वापस उसके लिए शिप कर देंगे, क्योंकि रिपेयर नहीं हो रही थी लोकल एरिया में, तो उन्होंने हमें भेज दी थी, तो हम इसको शिप कर देंगे। और थोड़ा थोड़ा यहाँ वाइंडिंग्स को हम सीधा कर देंगे, ये तारों को थोड़ा थोड़ा सीधा कर सकते हैं, यहाँ पे सुपर ग्लू लगा सकते हैं थोड़ा सा एक ड्रॉप सा, ताकि तारें अपनी जगह पे कायम रहें और बाहर ना निकलें। तो ये वीडियो थी आपके लिए, पूरी डिटेल के साथ मैंने पेश खदमत कर दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का निशान दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसी वीडियोस से फ़ायदा उठाते रहें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।